मित्रों, कई दशकों से इस बात पर चिंता जताई जाती थी कि सरकारी कार्यक्रमों का जो लाभ है वो जब सरकार का छोर छोड़ता है और लोगों तक पहुंचने से पहले कहीं पर बीच में आलोप हो जाता है, गुम हो जाता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए और इस चुनौती से निपटने के लिए यूपीए की सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही क्रांतिकारी पहल की है, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। कोशिश ये है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसके माध्यम से सरकारी स्कीमों का जो लाभ है वो उसके बेनिफिशरी तक, उसके उपभोक्ता तक सीधा पहुंचाया जा सके। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बताया कि पहले चरण में 43 जिलों को नामजद किया गया है। ये 43 जिले 16 प्रदेशों में हैं और पहले चरण में 26 ऐसी सरकारी स्कीमें हैं जिनका लाभ सीधा बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जाएगा। कल 1 जनवरी 2013 को 20 जिलों में 7 स्कीमें जो भारत सरकार की हैं उसके तहत जो बेनिफिशरीज को लाभ पहुंचना चाहिए वो इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने की पहल की जाएगी। उसके बाद 1 फरवरी 2013 को 11 जिले और शामिल होंगे और 1 मार्च 2013 को इसमें 12 जिले और शामिल किए जाएंगे। 1 जनवरी 2013 से लेकर 1 मार्च 2013 तक, जो इस कार्यक्रम का पहला चरण है, कोशिश ये है कि जो 26 स्कीमें निर्धारित की गई हैं, जैसे जैसे उनकी तिथि आती जाएगी वैसे वैसे उनका जो लाभ है वो बेनिफिशरीज तक पहुंचाया जाएगा। ये एक बहुत ही व्यापक कदम है, एक बहुत अनोखी पहल है जो यूपीए सरकार ने की है और इसके क्रियान्वयन में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जरूर कई जगह ऐसी होंगी जहां पर कोई रुकावट आएगी, जहां पर कोई तकलीफ आ सकती है, पर मंशा ये है कि इस सब से सीखते हुए जब तक ये कार्यक्रम अपने दूसरे और तीसरे चरण में जाता है 2013 के वर्ष में इसको पूरी तरह से व्यापक बनाया जाए। वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है जब उन्होंने आपसे अनुरोध किया है कि कल शाम को 5 बजे इसको आप या तो सक्सेस कि ये कामयाब हो गई या फेलियर कि ये नाकामयाब हो गई, इसके ऊपर अपना फैसला ना सुनाइए। एक कोशिश है, विनम्रतापूर्वक एक पहल की गई है कि बहुत दशकों से जो एक चिंता सिर्फ इस देश के जो नीति निर्धारक हैं उन्हीं को नहीं, पर जो आम जनता है उसके भी जहन में रहती थी, उसका कोई ना कोई रचनात्मक उपाय और हल निकाला।